हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, आज की मेरी जो जानकारी है वो है धनिया को लेकर। हरा धनिया जो होता है, तो मैं आज अपने गार्डन में जो है ग्रो करूँगी हरा धनिया। तो मार्च का मंथ चला हुआ है फ्रेंड्स, तो मार्च के मंथ में हमें गर्मियों के लिए धनिया की बुआई ज़रूर करनी चाहिए, अगर आपको गर्मियों में भी हरा धनिया चाहिए। मार्च के मंथ में हम जो धनिया ग्रो करते हैं तो पूरी गर्मी हमें जो है हार्वेस्टिंग के लिए धनिया मिलता रहता है। तो फिलहाल हमें बिल्कुल ग्रो कर देना चाहिए अपने टेरेस गार्डन में धनिया। तो फ्रेंड्स, हरा धनिया हमें क्यों ग्रो करना है मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के मंथ में तो हमने ग्रो किया ही था। तो ये मेरा जो धनिया है ये अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ग्रो किया हुआ है, जब मैंने इसको ग्रो किया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो फ्रेंड्स, हमने जो सर्दियों के दौरान धनिया की जो है बुआई की थी, तो इससे मुझे काफ़ी हार्वेस्टिंग के लिए मिली है। मैंने आपको बीच बीच में इसको दिखाया भी है, तो बहुत हार्वेस्टिंग मुझे इससे मिली है। तो अब ये सर्दियों का जो धनिया है ये पक चुका है, इस पर जो है फूल आने स्टार्ट हो चुके हैं। फूल आते ही इस पर जो है बीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो ये धनिया हमने अपने गार्डन में ग्रो किया हुआ है तो ये बीज बनाने में प्रोसेस करेगा अपना, तो अब ये ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। अब हमें इससे जो है मुश्किल से एक दो हार्वेस्टिंग मिल सकती है धनिया से। अब ये हमारे गार्डन से सर्दियों का धनिया चला जाएगा, तो अब हमें अगर हरा धनिया चाहिए तो अब हमें नए सिरे से इसको फिर से बुआई करनी होगी हरे धनिए की। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मुझे गर्मियों में हरा धनिया चाहिए, तो मैं इसलिए अपने गार्डन में हरे धनिए की बुआई करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हरे धनिए को हम जल्दी से जल्दी कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, और कैसे अच्छे से वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है हरे धनिया का बीज, ये मुझे पैकेट में ही मैंने मंगवा लिया था पूरा का पूरा। तो धनिया को जो है ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिट्टी। मिट्टी को बनाने के लिए हम जो है जो वेजिटेबल्स की जो मिट्टी हम ग्रो करते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो वेजिटेबल्स हमारी होती है, जैसे कि धनिया हुआ, पालक हुआ, तो इनमें हम जो है बार बार खाद नहीं देते, तो हम मिट्टी में ही उनके लिए खाद वाली मिट्टी बनाते हैं। तो खाद वाली मिट्टी हम कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी सब्जी अच्छे से ग्रो हो सके, जो भी हम अपने गार्डन में ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मेरी पुरानी गार्डन सॉइल है, मैंने भी जो टोकरी खाली की है तो उसी में से मैंने ये ली है मिट्टी। भुरभुरी अच्छी मिट्टी है, आप देख सकते हो कैसे बनी हुई है, तो ऐसी मिट्टी है इसकी निकली है। तो इसमें हम थोड़ी सी जान डालने के लिए मिला देंगे इसमें गोबर खाद। ये मेरी बिल्कुल सूखी हुई गोबर की खाद है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम गोबर की खाद जो इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है अगर सुखा कर इस्तेमाल करें, हम इसको उठाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि गार्डन में हमें ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तो मैंने इसको अभी लेकर आई थी मैं कुछ टाइम पहले, तो मैंने इसको सुखा कर बिल्कुल रखा हुआ है। तो मैं जो हूँ एक भाग लूँगी इसमें मिट्टी का, यहाँ पर गार्डन सॉइल जो मेरी है, तो एक भाग में जो हूँ एक भाग से कुछ ही कम हम जो है गार्डन सॉइल यहाँ पर खाद ले लेंगे। तो गोबर खाद हम दोनों को मिक्स करके जो है हम इसमें टोकरी के अंदर इसको डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है मेरी पुरानी टोकरी जो कि मैंने अभी खाली किया है इसको, तो इसके अंदर मैं जो हूँ ये जाली वाली है, तो इसके अंदर मुझे जो है एक पॉली बैग डालना होगा, जिससे कि हम पानी देते हैं तो वो नीचे की साइड छन कर बाहर एकदम से ना निकले, हमारी इसमें सेफ्टी रहे। पॉली बैग जो होता है आप ना सॉरी इसमें जो है आप नीचे होल ज़रूर करें पॉली बैग के अंदर भी जो आपने इसमें यहाँ पर डाला है, क्योंकि पानी इसमें से भी छन कर बाहर जाएगा, तो इसलिए इसमें भी होल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मिट्टी जो मैंने बनाई है गार्डन सॉइल और गोबर खाद की मिक्स, तो इसको हम जो है पॉली बैग इसमें भर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो है मिट्टी भर दी है जो मैंने कि यहाँ पर बनाई है धनिया के लिए। तो पॉट में मिट्टी डालने के बाद फ्रेंड्स, अब हम करेंगे बीज का प्रोसेस जो होता है, जो हम बीज ग्रो करते हैं अपने गार्डन में तो धनिया का, तो अब जो हमें प्रोसेस उसका करना है तो चलिए देखते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर इस पैकेट को खोल लिया है और मैं जो हूँ अब इसमें से बीज निकालूंगी। तो बीज फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस कंडीशन में है, आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छा बीज रहता है जो हम शॉप से लेकर आते हैं अपने गार्डन में बुआई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, धनिया जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो ये बारीक वाला होता है, एक मोटे वाला होता है जो हम किचन गार्डन में अपने इस्तेमाल करते हैं। हमें वो वाला धनिया नहीं लेना है,
हमें ये जो है ये वाला धनिया लेना है बारीक वाला, जो सोप से हमें मिलता है, तो हम सोप से सोप वालों को कहकर उनसे ले सकते हैं। गर्मी में भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं और सर्दियों में भी। बीज एक ही होता है, गर्मी में भी और सर्दी में बुआई करने का अलग अलग नहीं होता। तो इस बीज के साथ हमें फ्रेंड्स अब क्या प्रोसेस करना है, तो देख सकते हो सोप वालों ने हमें पहले इसकी दो भाग में इसको डिवाइड करके दिया हुआ है धनिए को। तो धनिया जो होता है हम दो भाग में डिवाइड करके अपने गार्डन में ग्रो करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और अगर साबुत धनिया में ऐसे ही इसको ग्रो कर देंगे तो ये वाला धनिया ग्रो नहीं होगा। तो हमें इसको जो है दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ऐसे आप नीचे डालकर इसको किसी भी भारी चीज़ से इसको जो है आप रफ़ कर सकते हो। रफ़ करने से ही ये बिल्कुल दो फाड़ हो जाएंगे, इसके दो हिस्से इसके हो जाएंगे, देख सकते हो। तो जैसे ही आप इसके दो हिस्से कर देते हो धनिए के, तो आप इसकी बुआई कर सकते हो, मिट्टी में इसको डाल सकते हो, जिससे कि ये अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग के लिए मिले जब आप इसकी बुआई करते हो। धनिए को जो है आप जल्दी से ग्रो करने के लिए इसको दो फाड़ में ऐसे करके, तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भिगोकर भी रख सकते हो। अगर आप इसको भिगोकर रखते हो तो ये बहुत जल्दी से ही जर्मिनेट होगा। तो मैं इसको ऐसे ही डाल दूंगी, तो मैं जो हूँ इसके मिट्टी जो जिस मिट्टी में मैं इसको डालूंगी, तो मिट्टी के अंदर मैं मॉइस्चर काफ़ी बनाकर रखूंगी, जिससे कि ये धनिया अच्छे से हमारा ग्रो हो जाए। तो फ्रेंड्स अब मैं इस धनिए को जो है मिट्टी में ग्रो कर दूंगी। यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना पॉट फिल किया हुआ है, तो ऐसे हम इसको डाल देंगे मिट्टी के ऊपर। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप इसको मिट्टी में डाल सकते हो धनिए को। ऐसे आपने मिट्टी में इसको डाल दिया, तो आप इसको ऐसे ही ना छोड़े, इसके ऊपर आप जो है मिट्टी की एक लेयर दें, जिससे कि बीज इधर उधर ना हो जब हम इसमें पानी देंगे। तो आप इसमें इस तरीके से जो है, तो ऐसे आप एक लेयर मिट्टी की इसके ऊपर बना दोगे अपने धनिए के जो आपने ग्रो किया है। तो ये नीचे मिट्टी में दब जाएगा धनिया, और ये बाहर जैसे हम पानी देंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स बीज की बुआई मैंने कर दी है धनिए के, और अब जो है मैंने इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की भी डाल दी। मिट्टी की लेयर हम क्यों डालते हैं ये भी मैंने बता दिया, जिससे कि हम पानी देते हैं तो हमारा बीज इधर उधर ना हो, वरना वो अच्छे से ग्रो नहीं होता अगर हमारा बीज इधर उधर हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम इसमें पानी कैसे देंगे। पानी देना भी बहुत ही मेन होता है फ्रेंड्स। अगर हम ठीक तरीके से इसके अंदर पानी नहीं देंगे तो हमारा पौधा जो है, सॉरी हमारा जो धनिया है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स पानी हमें जो है हम इसमें बहुत ही हल्के हल्के स्प्रे की तरह, जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, तो ऐसे हम हल्के हाथ से इसके अंदर पानी डालेंगे, जिससे कि ज़्यादा मिट्टी में प्रेशर ना पड़े, जिससे कि हमारा बीज मिट्टी में ही दबा रहे, बाहर ना आए। तो इस तरीके से आप पानी डालें इसके अंदर। तो जब भी आप पानी डालते हो एक बार इसमें पूरा पानी डालें, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ही डाल दिया पानी फिर दोबारा से नहीं डाला। तो मैंने इसमें एक बार पानी डाल दिया है, और आप देख सकते हो मिट्टी कैसे सोख रही है पानी को। तो ये अभी एकदम सारा पानी सोख लेगी मिट्टी। तो जैसे ही पानी मिट्टी सोख लेती है, तो मैं दोबारा से इसमें फिर से वाटरिंग करूँगी, क्योंकि हमने ये मिट्टी जो है पॉट के अंदर नहीं बनाई है। जब हम नई मिट्टी बनाते हैं पॉट के अंदर, तो सारी मिट्टी पानी सोखती है, और जब अच्छे से पानी सोख लेगी मिट्टी तो पानी ऊपर ही ऐसे तिर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फिलहाल आपको नज़र आ रहा है। जब तक आपको ऐसा ना लगे यहाँ पर जैसे पानी फिलहाल दिख रहा है, तो एक से दो बार तीन बार आप अच्छे से इसमें पानी दें, और फिर आप इसको एक साइड रख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें पानी दे दिया है, और आप देख सकते हो एक भी बीज इसमें बाहर नहीं आया। जो हल्का फुल्का बीज बाहर आ भी जाता है, तो आप उसको नीचे मिट्टी में दबा सकते हो, जिससे कि जो धनिया का बीज है वो मिट्टी में ही रहे, ऊपर पानी की जगह पर ना आए, जिससे कि आपका बीज अच्छे से जर्मिनेट होगा। तो फ्रेंड्स ये थी धनिया बोने की पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, गमले से बीज से लेके मिट्टी तक। तो मैंने धनिया के आपको पूरा प्रोसेस समझाया है। तो अगर इस तरीके से आप धनिया ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका धनिया ग्रो होगा, और पूरी गर्मी आप धनिया हार्वेस्ट कर सकते हो। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। जब आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।